बीते महीने सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब उनकी मौत के 26 दिन बाद उनका नया गाना रिलीज हुआ है। पंजाब हरियाणा के बीच विवादित SYL नहर के मुद्दे पर मूसेवाला का ये नया गाना रिलीज हुआ है। 23 जून की शाम 6 बजे ये गाना रिलीज हुआ। गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला का नाम छा गया। आपको बता दें, सिद्धू के इस गाने की जानकारी उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए दी गई है। सिद्धू मूसेवाला का ये नया गाना पंजाब हरियाणा के बीच सदियों से चले आ रहे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर बनाया गया है। इस गाने में सिद्धू ने इस पूरे विवाद को अच्छे से बताया है। इसके अलावा वो गाने में नेताओं का भी जिक्र कर रहे हैं। 4 मिनट 90 सेकंड के इस गाने को अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उनके इस गाने को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बताते सिद्धू अपने इस आखिरी गाने के जरिए पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे SYL के मुद्दे को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। गाने में सिद्धू ने कृषि कानून को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन और लाल किले का भी जिक्र किया है। इस गाने को लेकर उनके फैंस ने अपने इमोशन जाहिर किए हैं। सभी ने मूसेवाला को फिर से याद किया है। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला पर 29 मई को अचानक हमला हुआ था। हमले के दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। उनकी इस हत्या की जिम्मेदारी कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। फिलहाल सिद्धू मूसेवाला की हुई हत्या के बाद पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन कर रही है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के कुछ दिन बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने कहा था कि वो सिद्धू को उसके गीतों के माध्यम से जिंदा रखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।